लगातार बिहार में घटना, मर्डर और बच्चियों का शोषण। एक दिन पहले दो बच्चों की हत्या करके मार दी गई। इसके पहले मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बच्चों का शारीरिक और यौन शोषण। लगातार पटना, दानापुर में मर्डर पर मर्डर। बिहार के हर जिलों में हत्या का सिलसिला। और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या, कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के झंझोर में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोर से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं है। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सैनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। बिहार में पूरी तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जंगल राज की पराकाष्ठा है। आज इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या स्तब्ध करने वाली है। इसका मतलब पुलिस तो वहां है ही नहीं, इसका मतलब वहां लॉलेसनेस है, इसका मतलब वहां पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। 15-15 दिन में 15-15 पुल गिर रहे हैं, लोगों की हत्या दिन दहाड़े हो जा रही है, अपहरण दिन दहाड़े हो जा रहे हैं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है या ये भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज है? इस पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा कुछ या इसको जंगल राज कहेगा? अगर नहीं कहेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे हैं, कपटी हैं और छल करने वाले लोग हैं। जीतन साहनी साहब के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मुकेश साहनी जी के परिवार को मेरी संवेदनाएं। देखिए, मुकेश साहनी जी के पिता की हत्या ये दर्शाती है कि बिहार में किस कदर का जंगल राज है। और जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थन वाली सरकारें हैं, वहां सब जगह यही स्थिति है। कहीं हत्या हो रही, कहीं लूट हो रही, कहीं कस्टोडियल डेथ नंबर वन पर है। तो बिहार की घटना की जितनी निंदा की जाए, और हम सरकार से अपील और अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाएं।